आज मैं आया हूँ आपके लिए आपने के क्वेश्चंस के मुताबिक जो आप कमेंट्स में करते हो मोस्टली के भाई दुबई में मैप के ज़रिए डिलीवरी कैसे करते हैं। तो चले आज हम आपको बताएंगे कि दुबई में मैप के ज़रिए डिलीवरी कैसे करते हैं। तो बहुत इजी तरीका कार है, बहुत अभी नया ऑर्डर आ गया जो अभी हमने नया ऑर्डर है इसको एक्सेप्ट किया यहाँ से। ठीक है, अभी मेरे पास कस्टमर की सॉरी रेस्टोरेंट की लोकेशन आई है। मेरे पास जो रेस्टोरेंट है वो है जैज़ पिज़ारिया एक्सप्रेस। ठीक है जी, बेसमेंट लेवल मोवन पिंक होटल क्लस्टर ए जुमेरा लेक टावर, यानी कि जहाँ रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर उठाना है उस रेस्टोरेंट की टोटल डिटेल, बिल्डिंग नंबर, बेसमेंट में है जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में है, ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पे है, किस एरिया में, किस स्ट्रीट में है। ठीक है, वो सारी डिटेल यहाँ पे उसने दे रखी है। तो अभी हम रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, ये जो नीचे आपको ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है, ये वाली पट्टी, ये वाली, इस पर हम अराइव्ड एट द वेंडर पर क्लिक कर देंगे जब हम रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैं पहले से ही रेस्टोरेंट पे हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अराइव्ड एट द वेंडर पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी इसके बाद वो आइटम्स भी दिखा रहा है, इसके अंदर कह रहा है व्यू ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, जो ऑर्डर कस्टमर ने किया उसके अंदर कितनी आइटम्स हैं। ठीक है, ये आइटम आपको नज़र आ रही है, ये आइटम है, ये देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जहाँ पे भी आपको ये सर्कल है ना उसी चीज़ पे बात करूँगा, आप गौर रखिए, जहाँ जहाँ सर्कल घूमेगा वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अभी देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास आइटम आ गया अपोलो। ठीक है, फूड का नेम है जो कस्टमर ने ऑर्डर किया, 60 में 54 दिरहम का है। तो उसने नीचे ये भी लिखा है नो पेमेंट एट द वेंडर, दैट मीन कि अगर आप सम टाइम होता है कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी करता है तो हमें तब भी कस्टमर को इसको सॉरी रेस्टोरेंट पे पेमेंट नहीं करनी होती, वो हमने जो कस्टमर से लेनी है अपनी पॉकेट में रखनी होती है, तो बाद में हमें डिपॉजिट करवानी होती है। सो गाइस, अब हम रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपको सामने वो दीवार पे जैज़ पिज़्ज़ारिया जो आपको मैंने ऐप में नाम दिखाया वो रेस्टोरेंट आ गया। ठीक है, तो हम उसी रेस्टोरेंट की तरफ अब जा रहे हैं क्योंकि उसने बताया था कि रेस्टोरेंट बेसमेंट में। ठीक है, तो अब वहीं पर हम चलेंगे, तो चलें देखते हैं ऑर्डर रेडी है या नहीं रेडी। कैसे हो ब्रदर, कैसे हो? सो लेट्स सी। डोर खोला, अंदर गए। ठीक है, पूछेंगे रेडी है। जैसे पिज़्ज़ा लेना है ऐसे सीधा रखना, कभी भी बैग को स्ट्रेट रख के पिज़्ज़ा नहीं रखना, अदरवाइज पिज़्ज़ा सारा स्पॉइल हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पिज़्ज़ा रखें आपको इस चीज़ को बंद करना है ताकि पिज़्ज़ा ठंडा ना हो, ऐसे ही आपको स्ट्रेट पकड़ना है। ठीक है, इस सो गाइस, जैसे ही अब हमने उनसे पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, अपने बैग में रखा, और अब हमने यहाँ पे पिकअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा ले लिया। जैसे पिकअप पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमें आगे दे रहा है रेस्टोरेंट की लोकेशन, सॉरी इसके कस्टमर की लोकेशन। तो ये कस्टमर की लोकेशन है, आप देख सकते हैं ये ऊपर मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारा जहाँ पे अभी मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, मतलब कि ये सारे कुछ वो दे रहे हैं, तो ये सारे कस्टमर की लोकेशन है ये ली। तो जैसे अगर आपको अब कस्टमर की लोकेशन पे जाना है तो आपको लोकेशन को स्टार्ट कैसे करना है। सो द आपको लोकेशन को स्टार्ट करने के लिए ये जो आपको ऊपर ये बना हुआ है ये वाला एरिया यहाँ जहाँ पे ये ब्लू क्लिक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी ये लोकेशन देखें ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। अब ये मेरी लोकेशन ओपन हुई है, उसने बोला था S2 टावर। ठीक है गाइस, तो ये लोकेशन ओपन हो गई है। ये मेरे पास 2GIS है, इसके गूगल मैप से भी कर सकते हैं लेकिन 2GIS में सारी बिल्डिंग्स आपको नज़र आती है। मैंने इसके ऊपर बिल्डिंग के क्लिक किया,
साथ में नीचे अभी सिर्फ डाउन में टॉप पे बिल्कुल डाउन घड़ी है उसके ऊपर 3 मिनट लिखे हुए हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स क्लिक, मैंने क्लिक किया, लोकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब मैं क्लिक करूँगा गो पे, जैसे ही गो पे क्लिक करूँगा तो ये लोकेशन शुरू हो जाएगी। तो क्लिक करते हैं, ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम अपनी कस्टमर लोकेशन की तरफ। अब हम कस्टमर लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो देखें आप कैसे मैं आपके ज़रिए डिलीवरी होती है। सो गाइस, हम लोग अपनी लोकेशन पर जो कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करना है उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, तो ठीक है, लेकिन हम इस सेम एरिया में पहुंचे हैं। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे कस्टमर के पास। तो अभी हम कस्टमर के जैसे ही लोकेशन में पहुंचेंगे, अपनी बाइक खड़ी करेंगे, तो हमने अराइव्ड एट द कस्टमर, ये जो ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक करना है, अराइव्ड एट द कस्टमर, ये जो नीचे लास्ट में ब्लू कलर का है इस पर क्लिक किया, तो हमें अब सारी कस्टमर की जितनी भी टोटल डिटेल्स है हमारे सामने आ गई है। ठीक है जी, अब नीचे करें, अभी जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इब्राहिम, इब्राहिम ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लोकेशन आ जाएगी, 104 उसका अपार्टमेंट नंबर है, ग्रीन लेक्स S2 उसकी बिल्डिंग का नंबर है, और जमेरा लेक टावर उसका एरिया जो है, जिस एरिया में उसका बिल्डिंग है, तो ये वो एरिया है। चलो अब चलते हैं हम कस्टमर की तरफ। सो गाइस, ये देखें ऐसे बिल्डिंग्स के नेम लिखे होते हैं अक्सर, वो देखें जो कस्टमर का नाम लिखा हुआ था, ग्रीन लेक्स S2 टावर बिल्डिंग के ऊपर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अंदर रिसेप्शन पे, अपनी सब बिल्डिंग्स में वो आईडी कार्ड लेते हैं, तो फिर अंदर जाने देते हैं, एंट्री करते हैं, देखते हैं ये लोग आईडी कार्ड लेते हैं या नहीं, तो चलते हैं हम बिल्डिंग में। सो गाइस, अभी हम लिफ्ट में 105 106, ये लेफ्ट साइड पे 101 एंड 103 राइट साइड पे, तो हमने जाना है 104 में, तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड। तो ये हम गाइस आ गए हैं, अभी हमें यहाँ पे फ्लोर देखना है। सो गाइस, अभी हमें ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना है, तो हम सीधा ड्रॉप ऑफ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म पे कर देंगे तो ऑर्डर ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, तो ये सिस्टम है सिर्फ ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करने का, तो ये हमारा ऑर्डर ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, तो नेक्स्ट जैसे ही ऑर्डर आएगा हम वैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो सेम प्रोसेस वही होगा। तो ये सिंपल एक तरीका है दुबई में डिलीवरी का काम करने का, मैप के ज़रिए डिलीवरी करने का, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली प्रोसेस है दुबई में डिलीवरी करने का, आप कहीं भी जाकर डिलीवरी किसी भी कंपनी में करो, इवन कि आप ज़ोमैटो में करो, आप डिलीवरो में करो, तलाबात में करो, क्विकअप में करो, किसी भी मतलब कोई कोरियर का भी काम करोगे ना, तो तकरीबन 80% कोरियर सेव है, लेकिन उसमें आपको लोकेशन खुद लेनी पड़ती है कस्टमर से कॉल करके। और ये जो फूड डिलीवरी की कंपनी है, इसके अंदर लोकेशन ऑलरेडी मेंशन होती है, कस्टमर का टोटली मतलब कि एड्रेस मेंशन होता है, कोरियर में भी यही चीज़ होती है, लेकिन लोकेशन आपको लेनी पड़ती है। तो ये सारा प्रोसेस था दुबई में एज अ डिलीवरी बॉय काम करने का, कि हम एक नया बिगनर बंदा वो डिलीवरी कैसे करेगा, कोई मुश्किल नहीं है, आपको आना है, लाइसेंस लेना है, ठीक है, आके अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ना उसे सीखना पड़ता है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद बंदा सीखता है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात नहीं, हर चीज़ आपको मिलेगी, इवन के कस्टमर का अपार्टमेंट फ्लोर नंबर एवरीथिंग मेंशन होगा, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो लोकेशन आपको मेंशन करके दी जाएगी कंपनी की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, वो लोकेशन बिल्कुल करेक्ट होगी, 10 लोकेशन में से एक लोकेशन या दो लोकेशन रॉन्ग हो सकती है, वो आप कस्टमर को कॉल करके व्हाट्सएप पे लोकेशन मंगवा सकते हो।
तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में। अल्लाह हाफिज़।